नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी को अपन फिर से शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने करके सातवाहन वंश की स्थापना की? तो देखिए, इस प्रश्न में आपको दो तीन तरह के प्रश्न दिख गए हैं। कणव वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। उनकी हत्या किसने की थी? सीमुक ने की थी। तो सातवाहन वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे? सीमुक थे। यानी कि देखिए, सबसे पहले कौन सा वंश आया, मतलब कि मौर्य से अगर शुरू करें तो मौर्य, उसके बाद आपके शुंग वंश आया, उसके बाद कणव वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश आया। ठीक है, तो ये सीरियल भी आप याद कर सकते हैं कि कौन से सीरियली रूप से किसके बाद आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के अंतिम राजा वासुदेव थे। देखिए, कुशासन अगर फैल जाती है, एक शासन होती है, एक कुशासन फैल होती है, तो आपने वासुदेव के बारे में सुना होगा, कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा कि जब उनके राज्य में कुशासन फैल गई थी, लोग आपस में ही हत्या वगैरह करने लगे थे, तब वासुदेव ने अपना सुदर्शन से सभी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इससे भी हम याद करेंगे कि कुशासन वंश का अंतिम राजा वासुदेव थे, क्योंकि उसके बाद सभी की हत्या करने के बाद फिर कृष्ण भगवान की यानी कि वासुदेव की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि कुशासन वंश का, या कुशान ही वंश। ठीक है, कौन थे? वासुदेव थे। अच्छा, इसके बारे में ये पूछा जाता है, कुशान जो राजा हैं वो देवपुत्र कहलाते थे। ठीक है, अब कुशासन से जैसे ही आप रिलेट करेंगे वासुदेव को यानी कृष्ण को, तो कृष्ण का जो पुत्र होंगे वो देव ही होंगे। ठीक है, देवपुत्र कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और इसके संस्थापक, कुशान वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुशान वंश से रिलेटेड तीन चार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि मैंने बता दिए। ठीक है, विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के थे। ठीक है, अच्छा, किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के ढलवाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अब देखिए, गुप्त हुए, उसके बाद समुद्रगुप्त हुए, उसके बाद चंद्रगुप्त हुए। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। तो जो तीसरे राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि चांदी के सिक्के ढलवाए किसके उपलक्ष्य में? शकों पे विजय के उपलक्ष्य में। और ये शक कहाँ के थे? मध्य एशिया से आए हुए थे, भारत पे आक्रमण करके, मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट को कब्जा कर रखा था। और ये जो शक थे वो एक प्रकार के आप कह सकते हैं कबीलों में रहते थे। ठीक है, ये मतलब कि कबीलों में रहते थे और झुंड के झुंड रहते थे, और जहाँ पे भी चारागाह का मैदान मिलता था वहाँ पे आक्रमण करके वहाँ पे कब्जा कर लेते थे। तो शके वो थे। तो शकों पे विजय प्राप्त किया था गुप्त शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूँकि गुप्त साम्राज्य सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उनका जो प्रतीक चिन्ह था उस पर किसका चित्र अंकित रहता था? तो गरुड़ का। क्योंकि देखिए, गरुड़ क्यों रहता था? क्योंकि जो विष्णु भगवान हैं उनके जो वाहन है, या आप कह सकते वाहक है, वो गरुड़ हैं। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के मानने वाले चूँकि गुप्त थे, तो उसके राज चिन्ह गरुड़ थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल से ही रिलेटेड है। गुप्त काल में शूद्रक द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम में वर्णित है, एक पुस्तक लिखी गई थी मृच्छकटिकम गुप्त काल में, तो उस पुस्तक में क्या चीज़ के बारे में वर्णन की गई है? तो उस पुस्तक का जो विषय है वो है ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम। जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेश्या से प्रेम कर लेते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी लोग, कोई भी लोग जो कि वेश्या से संपर्क में रहते हैं, या मतलब कि उनके साथ मतलब संबंध बनाते हैं और समाज को पता चल जाता है, तो क्या करते हैं? उसको अपने समाज से काट के बाहर कर देते हैं, यानी कि उसको समाज से बहिष्कार कर देते हैं। इस तरह से हम याद करेंगे कि मृच्छकटिकम में किस का उसमें वर्णन है, ब्राह्मण के साथ वेश्या का जो प्रेम है उसके बारे में वर्णन है। और ये मृच्छकटिकम किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो गुप्त के, गुप्त जो काल था उसके शासनकाल में लिखा गया था। अच्छा, और जो ये लिखा गया था वो किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, वेश्या, शूद्रक, ये सभी निम्न जाति के लोग होते थे। इस वजह, इस मतलब कि इससे हम रिलेट कर सकते हैं
शूद्रक ने लिखा था मेशिकाटिकम। ठीक है, मंदिर बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ये गुप्त काल से शुरू हुई। देखिए, गुप्त काल से पहले मौर्य काल भी रहा, सातवाहन जो कि अभी मैंने बताया, उसके बाद सातवाहन के कुषाण फिर है, कणव वंश हैं, और बिंबिसार के भी हर्यक वंश रहे। तो ये सभी जगह, या आप कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें भी मंदिर नहीं बने थे, वैदिक जो सभ्यता आई उसमें भी मंदिर नहीं बने थे। तो जो मंदिर जो बनना चालू हुआ वो गुप्त काल से शुरू हुआ, यानी कि AD में, यानी कि 280 ईस्वी के बाद से ये आपका मंदिर बनने की प्रथा चालू हुई। तो ये कब से शुरू हुई? गुप्त काल से शुरू हुई। कुषाण शासक कनिष्क, पूछा जाता है कनिष्क कौन से वंश का था, तो कुषाण का था। ठीक है, तो कुषाण शासक कनिष्क के राज दरबारी वसुमित्र ने किसकी रचना की जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कुषाण शासक था कनिष्क, ठीक है, वसुमित्र किसके राज दरबारी थे, तो कनिष्क के राज दरबारी थे। ठीक है, इसमें एक उसने वसुमित्र ने उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी महाभिभाष, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो महाभिभाष को कहा जाता है। किसने लिखा? तो वसुमित्र ने लिखा। किसके दरबारी थे? तो ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी थे। याद करने का तरीका देखिए, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, यानी कि उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड सब चीज़ मिल जाएगा। विश्वकोश मतलब उसमें सब चीज़ रिलेटेड मिल जाएगा, यानी कि सभी चीज़ का आपका मतलब कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको भास हो जाएगा, भास मतलब कि नॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं महाभिभाष को। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। और इसी में प्रश्न पूछा जाता है पल्लव वंश से ही रिलेटेड कि भाप्ती कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने की थी। देखिए, या ये जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे जो कि पल्लव वंश के शासक थे, वो थोड़ा मतलब कि मार धार में विश्वास रखने वाले थे, यानी कि थोड़ा खूंखार थे। ऐसे भी नाम है नरसिंह, यानी कि मार धार, सिंह तो क्या करता है, हिंसा क्यों होता है। तो इन्होंने क्या किया कि पुलकेशन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का पुलकेशन द्वितीय था, बातापी का चालुक्य वंश का पुलकेशन द्वितीय जो शासक था उसको हराया था। किसने? नरसिंह बर्मन ने। और हरा के बापती पे इसने कब्जा कर लिया। बापती उसकी राजधानी हुई हुआ करती थी चालुक्य वंश की, तो उस पे कब्जा कर लिया, बापती पे कब्जा कर लिया, तो बापती कुंड की उपाधि धारण इन्होंने कर ली। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे शासक आए, और इसी वंश में नरसिंह बर्मन द्वितीय रहा, जो कि मतलब कि संगीत या शास्त्र या वास्तुकला में रुचि लेता था। ये मार धाड़ में उतना मतलब मनोरंजन का साधन इसका क्या था कि ये संगीत वगैरह में इसका मतलब रुचि था, वास्तुकला जितने भी मंदिर वगैरह साउथ में बने बहुत सारे इसने बनवाया नरसिंह वर्मन ने। तो ये शांति प्रिय राजा था, इस वजह से इसने राजा सिंह आगम प्रिय, आगम प्रिय मतलब कि शासकों का प्रेमी, शंकर भक्त की उपाधि धारण की। तो देखिए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकंड में आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भापती कुंड की उपाधि किसने धारण की, तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करिएगा कि भापती पे किसने राजा किसने आक्रमण करके उसको कब्जे में ले लिया था, नरसिंह वर्मन ने, और जो नरसिंह वर्मन सेकंड था वो शांति प्रिय था। तो ये सभी सिर्फ उपाधियां धारण करता था, जो अच्छे अच्छे उपाधियां थे, जैसे राजा सिंह आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी। आपने आपको मैंने शुरू में ही बताया कि ये मतलब कि अच्छे कामों का प्रेमी था, ये उतना युद्ध वगैरह नहीं करता था। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके दोनों हम चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी आज क्वेश्चन मैंने आपको कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।